jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है 90 इसमें बॉलीवुड की टॉप और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक रही आयशा जुल्का फिल्मों में वापसी कर रही हैं। हालांकि इस बार उन्हें ग्लैमरस रोल नहीं बल्कि मां का रोल करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म जीनियस से कमबैक कर रही है। फिल्म में वो एक्ट्रेस इशिता चौहान की माँ का रोल प्ले करेंगी। बता दें कि आयशा उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने खुद से 21 साल बड़े नाना पाटेकर के साथ बोल्ड सीन दिए थे। आयशा जुल्का ने हमेशा अपनी इमेज को क्लीन एक्ट्रेस बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2003 में नाना पाटेकर के साथ आई उनकी फिल्म आंच में उन्होंने काफी बोल्ड सीन्स किए। बताया जाता है कि आयशा और नाना पाटेकर लिव इन रिलेशन में भी रहे हैं। नाना के बुरे बर्ताव से तंग आकर आयशा ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार मनीषा को इराला ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ बंद कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद मनीषा ने ना सिर्फ नाना को खरी खोटी सुनाई बल्कि आयशा को भी काफी लताड़ लगाई थी। करियर के ढलान पर आयशा की जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी बनी। मिथुन आयशा से 22 साल बड़े थे। दोनों ने दलाल 1993 में काम किया और इनका अफेयर शुरू हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि अफेयर की खबरों के बीच ही एक कपल लिव इन रिलेशन में भी रहने लगा था।